हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शिवम और आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है वीडियो में जाने से पहले मैं मनोज नायक जी जो हमारे एक सब्सक्राइबर है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा उन्होंने हमें दस से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिला के देने में मदद की थी तो अभी वीडियो के बारे में आते हैं स्टैट्स दो के एन की रिपोर्ट है वॉलीम वन चैप्टर थ्री ए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंडिया में जो क्राइम अगेंस्ट वूमेन है उसमें सबसे जो ज़्यादा क्राइम्स होते हैं वो है क्रलिटी बाई हजबेंड थर्टी वन परसेंट असोल्ट ऑन मॉडस्टी ऑन वुमेन ट्वेंटी टू परसेंट किडनीप एंड अबडक्शन एटीन परसेंट और रेप एट परसेंट आज का टॉपिक इसी बारे में है कि रेप क्यों होते हैं उसके स्टैटिक्स क्या हैं जो ऑफिशियल है अनऑफिशियल है फिर जो रीज़न्स है उनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और हम इन चीज़ों को एक सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से बत्तीस हज़ार से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुई थी इंडिया में इसका मतलब अट्ठासी केसेस डेली जिसमें से 26% परसेंट से भी कम कन्विक्शन रेट है इंडिया में जितने भी रेप के केसेस होते हैं उसमें 94 परसेंट केसेस में महिला के पहचान वाला ही व्यक्ति आरोपी होता है अगर हम स्टैटिक्स के ऊपर देखेंगे तो अभी फ़िलहाल इंडिया में 50 से 60 परसेंट ऐसे केसेस है रेप के जो अनरिपोर्टेड होते हैं यानी बिल्कुल भी एफ नहीं होती अगर हम टोटल में देखें अस्सी से नब्बे केसेस पर ईयर टोटल होंगे पर रजिस्टर्ड सिर्फ बत्तीस हज़ार के आसपास होते हैं अगर हम नब्बे हज़ार का अगर आंकड़ा देखें तो 200 से ज़्यादा केसेस पर प्रतिदिन पर क्या ये सच में ऐसा ही है जैसे दिख रहा है दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2013-14 की ये जो रिप, रिपोर्ट है उसके हिसाब से तिरपन प्रतिशत जो केसेस फाइल हुए हैं वो फेक थी और शायद ये आंकड़ा अभी बढ़कर 66 सिक्सटी सिक्स परसेंट के आसपास चला गया है 2019 में कि रेप केसेस में जो केसेस फ़ाइल हो रहे हैं वो फेक हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस हो नहीं रहे हैं या आ, सामने आ नहीं रहे हैं अगर हम यूएसए के बारे में देखें तो वहाँ पे दो दो सौ पचास केसेस डेली रजिस्टर होते हैं इसका मतलब एक लाख तीस हज़ार रिपोर्ट होते हैं डेली और वहाँ की जो एजेंसी है क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे आ, का जो रिपोर्ट है वहाँ का उसके हिसाब से चार लाख तीस हज़ार से ज़्यादा केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं ये 2016 की रिपोर्ट है अगर हम कंपैरेटिवली देखें यू तो हमारा जो रेट है वो कम है पर ज़रूरी नहीं है कम है तो हम इस चीज़ से हम खुश हो जाए क्योंकि जो जेनविन केसेस हैं हमारे यहाँ पे फेक केसेस के वजह से उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है और वो केसेस सामने नहीं आ सकते और इंडिया में जो रेप केसेस होते हैं फेक वाले उसका जो मेन रीज़न है वो है सेक्शुअल अब, अब्यूज़ रैकेट झूठे केसेस फाइल करने के लिए एक ऐसा रैकेट है जो लोगों को फंसाता है और केस करके पर मैं इस चीज़ के बारे में अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है भी नहीं फ़िलहाल जो मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं कोस जो काजेज़ है इंसिडेंट्स के उसके हम बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट से देखेंगे और उससे जो मेजर पॉइंट्स है वहाँ तक जाएंगे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैरेंटल निगलेक्ट और एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपमेंट जो बच्चा होता है उसके ऊपर उसके माता पिता ध्यान नहीं देते वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है वो कौन से एनवायरनमेंट में आ, बड़ा हो रहा है इस वजह से भी बच्चों के ऊपर बुरा असर होता है और ये चीज़ें उनके माइंड में एक लंबे टाइम तक असर करते रहती हैं दूसरा है ईगो एक पैट्रियाल आर्कियल ईगो है जो लड़कों के मनों में बैठ जाता है जिसके वजह से उनको लगता है कि वो सुपर सुपीरियर है साथ ही साथ हमने देखा है कि लड़कियों को मटेरियलाइज किया गया है जैसे कि कोई पिक्चर में गाना वगैरह हो गया तो हम देख रहे हैं कि लड़कियों को मेटरलाइज करके देखा जा रहा है ये भी गलत है उसके बाद आता है ड्रग्स अल्कोहल कंजम्पशन जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में आ, ड्रग लेके या अल्कोहल का कंजम्पशन करके रहते हैं और उसके बाद में इन सारी चीज़ों को आ, जो रूपांतरित करते हैं नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक रीज़न है जो इन इंसिडेंट्स को बढ़ावा देता है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जिस स्टैंडर्ड से लोग आ, रहते हैं वो स्टैंडर्ड भी कहीं हद तक आ, ये तय करता है कि इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है उसका माइंडसेट किस तरह से इवॉल्व हो रहा है उसके बाद आता है लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स यानी नैतिक मूल्य और आचार विचार इसके बाद जो आता है वो है क्रिमिनल जो लैक ऑफ एम्पति है वुमेन्स के अगेंस्ट यानी जो संवेदना होती है आ, ऐसे किसी में देखा गया है जो रे, रेपिस्ट होते हैं उनको औरतों की तरफ किसी प्रकार की संवेदना होती नहीं है इस वजह से वो ऐसे कृत्य करने के लिए और प्रोत्साहित होते हैं और सबसे मेन है आ, कि लड़कों को एक सेंटेंस या एक वर्ड है नो no, इस चीज़ का मतलब ही समझ में नहीं आता वो क्या लड़की क्या बोलना चाहती है उनके दिमाग में बस अपना ही चलते रहता है हर वक्त और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है जहाँ पे रिवेंज यानी झगड़ा है या फिर कुछ आ, इंस्टेंट में झगड़ा हो गया या बहुत पूछते नहीं झगड़ा है इस वजह से भी रिवेंज के आ, अंदर आके ऐसे चीज़ों को आ, रूप दिया जाता है फिर उसके बाद आता है प्रियर पियर प्रेशर पियर प्रेशर में क्या होता है कि आ, कोई फ्रेंड होता है जो आ, इन चीज़ों में आ, लिप्त होता है और वो अपने दूसरे दोस्त को भी ऐसे चीज़ों के लिए उकसाता है और इस वजह से वो इंसान आगोश में आके ऐसी चीज़ें कर देता है उसके बाद और एक चीज़ है जो बहुत ही माइल्यूट लेवल पे माइन्यूट लेवल पे लोगों के मन में इन चीज़ों को डालती है जैसे कि टीवी कमर्शियल्स। टीवी कमर्शियल्स ज़्यादा एंटरटेनिंग कम और सड्यूज ज़्यादा हो चुके हैं आ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ में बैठ के एडवर्टाइजमेंट देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद है जो स्टूडेंट्स है या बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं वहाँ पे स्कूल्स uh, में लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन बहुत ही कम है या फिर नहीं के बराबर है उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट uh, है वो है जो रेप विक्टिम्स है उनको पुलिस या फिर सोसाइटी जो अक्यूज़ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलती है और केसेस को सुलटाने के लिए बोलती है इसमें पुलिस वालों का भी बहुत हाथ है क्योंकि उन्हें केसेस पता होने के बाद में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एग्री हो जाते हैं बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जो लड़कियां है वो अपने पहचान वाले इंसान को कैलकुलेट कर लेती है उनको लगता है कि नहीं ये अच्छा बंदा है और ऐसे ही बंदे जाके आगे हमारा भरोसा तोड़ देते हैं ये तो हो गए जो काजेस है अब हम आएंगे सोलूशंस के ऊपर सोल्यूशन बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं आप के पास अगर व्हाट्सएप से किसी भी सोशल मीडिया से किसी लड़की जो विक्टिम है उसकी फ़ोटो या नाम आता है तो प्लीज़ उसे शेयर ना करें आगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसको बदनाम कर रहे हैं बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो विक्टिम है उसका नाम फ़ोटो वगैरह वायरल हो जाती है पर जो अक्यूज़ है जो गुनेगार है उसका ना नाम आगे आता है ना उसकी फ़ोटो आ आगे आती है और इस तरह से आप विक्टिम को ज़्यादा पब्लिसाइज़ करके उसकी ही बदनामी कर रहे हैं प्लीज़ ऐसा ना करें ये जो बैटल है ये बैटल ऑफ सोसाइटी है जिसे हम सोसाइटी को भी लड़, लड़ना है और वुमेंस को भी लड़ना है क्योंकि वुमेंस इस सोसाइटी की पार्ट है तो उनका लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी में कोई भी चेंजेस एकदम से नहीं आते धीरे धीरे करके आते इसलिए यहाँ पे जो सोल्यूशंस बताए जाएंगे उन्हें भी अप्लाई करने के बाद में एक टाइम लगेगा एक टाइम पीरियड लगेगा जब जाके ये सोल्यूशंस काम करना और अपना असर दिखाना चालू करेंगे सबसे पहले तो लड़कियों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहिए क्योंकि अगर उन्हें पावर अगर अपने हाथ में रखनी है और इस सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना पड़ेगा और ना कि प्राइवेट सर्विसेज में वो जाए क्योंकि प्राइवेट सर्विस सर्विसेज में जाके वो सोसाइटी में चेंज उतनी उस तरह से नहीं ला सकेंगी जितना वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आके ला सकती है गवर्मेंट ने फ़िलहाल कुछ सालों के लिए जो रिज़र्व रेशियो होता है वुमेंस और मेंस का उसे बढ़ा के फिफ्टी टू फिफ्टी कर देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव अड्म, सर्विसेज़ जिसमें पुलिस तहसीलदार यूपीएससी ऐसे वगैरह पोस्ट आते हैं इंडिया में कोविड स्कूल्स का एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो जो डिफरेंस है जेंडर में डिमिनिश कर सके चाइल्डहुड के टाइम में ही लड़कियों को और लड़कों को दोनों को भी एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे को एटलीस्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए स्कूल्स में जो काउंसलिंग है उस चीज़ को बढ़ा देना चाहिए एक ग्रेटर लेवल पे करना चाहिए और जो बच्चे हैं काउंसलिंग के वक्त उन में उनमें एक ग्रेटर गोल्स एस्पिरेशंस को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स ने अपने चिल्ड्रन को अच्छी तरह से जानना चाहिए उनके साथ बैठना चाहिए बात करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं उनके दोस्त कौन है उनके दोस्त किस तरह से उनसे बात करते हैं क्या बात करते हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया पेरेंट्स को भी होनी चाहिए बच्चों को एक गुड टच और बैड टच के बारे में डिफरेंस भी बताना उतना ही ज़रूरी है आज के यंगस्टर्स में देखा गया है रिलेशनशिप relationship के रिलेशनशिप्स के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है तो उन्होंने रियल और फेक रिलेशनशिप्स के डिफरेंस है उसके बारे में समझना चाहिए और उसके बारे में आ, और ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए जो प्रामिसज होते हैं जैसे कि फॉल्स प्रामिसज ऑफ मैरिज ये सारी चीज़ों के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए हमारे सोसाइटी में अगर ये चीज़ हो रही है तो इसको रोकने की एक जिम्मेदारी लड़कों की भी होती है तो लड़कों ने अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है गर्ल और या फिर एक वूमन के बारे में उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और आ, बिल्कुल भी है ना उसके तरफ एग्रेसिवली वर्क करना चाहिए अगर कोई भी ईव टीजिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको आ, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मतलब उन चीज़ों को है ना ज़ीरो लेवल पे लाने के लिए यानी जो भी अगर कोई ई टीजिंग कर रहा है तो उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कमेंट पास करना या ई टीजिंग करना ये एक बेसिक लेवल की तरह हम देख सकते हैं जो आगे जाके बहुत बड़े बड़े चीज़ों में रूप ले सकता है ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आ, इसे हम नेग्लिया नेग्लिजिबल कर सकते हैं पर लड़कियों को इस चीज़ के लिए मार्शल आर्ट या किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी जो डिफेंस में मदद करे इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखा गया है कि जब भी ऐसे कोई केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मीडिया अटेंशन फोकस होता है वहाँ पे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं और अपना मोटिव को गेन करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें जो इलेक्शंस है उनके अंदर बेनिफिट हो सके बेनिफिट ऑफ वोट हो सके पर हम जो नागरिक है उन्होंने उनके जो ये एजेंडा है उसके लिए एक बलि का बकरा नहीं बनना है और अपना जो एजेंडा है उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है ना कि उनके एजेंडे को इंडिया में जो इंटरनेट का एक बूम आ गया है उसके वजह से जो अडल कंटेंट है वो बहुत आसानी से लोगों को आ, मिल जाता है मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रेगुलाइज़, रेगुले, रेगुलेट कर लेना चाहिए अडल्ट कंटेंट्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर लेना चाहिए और वहाँ पे हाईली प्राइज्ड जो यह लेबल्स लगा देने चाहिए जिसको भी उसे कंज्यूम करना है उसको एक अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़े और उसके लिए एक वेरीफाइड अकाउंट्स या फिर आईडी से उनको लॉगिन करना पड़े ताकि जो अंडर एज बच्चे हैं वो वहाँ पर उस चीज़ को कंज्यूम ना कर सकें हमने देखा है कि जो सिस्टम ऑफ कंप्लेनिंग है इन केसेस के अगेंस्ट में वहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल है वहाँ पे बहुत बड़ा डिफेक्ट है हम देखते हैं कि जब भी वहाँ पे विक्टिम केस को एफआईआर में मतलब रजिस्टर करने जाती है तब तो उससे एफआईआर को रजिस्टर किया नहीं जाता है विक्टिम को बहुत ज़्यादा पताड़ना की जाती है आ, उस लूप होल को एक तरह से नलीफाई uh, करने की मैंने थोड़ी सी रिसर्च uh, की और उसके बारे में थोड़ा सा काम किया हो सके आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसके बारे में और आप रिसर्च करें और इसको और इम्प्रूव करें क्योंकि एफ़ एकदम से लॉन्च नहीं की जा सकती क्योंकि जो ट्रेंडिंग फेक केसेस है उसके वजह से और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं इस वजह से uh, तो हमें क्या करना है तो हम इस चीज़ में बहुत कम रोल निभा सकते हैं पर गवर्नमेंट का मेजर रोल है पर हम गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि ये काम करें जो तहसील लेवल है या ब्लॉक लेवल है वहाँ पे एक परमानेंट वुमेन डेस्क होना चाहिए अगर एफआईआर लॉज लॉन्च नहीं की जा जा सकती तो जो विक्टिम है वहाँ पे जाके आ, ए, आ, अप्रोच कर सकता है और वहाँ पे कंपल्सरिली इस चीज़ को रिपोर्ट करना आ, अनिवार्य हो इस वजह से क्या होगा कि केस ऑफिशियली कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का रजिस्टर्स में रहेगी और इस वजह से जो प्रेशर है पुलिस पे भी आ जाएगा कि एफआईआर रजिस्टर करना है या नहीं करना है और उसके बाद में जब फाइल रजिस्टर हो जाएगी तो एक फ्लाइंग स्कॉड होना चाहिए जो स्पॉट पे जाके इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करें और वो चाहे तो पुलिस की हेल्प भी ले सकते हैं और दो दिन के अंदर में इसके ऊपर एक माइनर रिपोर्ट बना के डिसाइड uh, करे कि एफ़ रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस वजह से क्या होगा कि फेक केस है या नहीं है उसके बारे में भी पता चल जाएगा उसके बाद में जो है वह है अगर विक्टिम uh, के अगर फेटल इंजरीज है या फिर uh, डेथ हो चुकी है ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में एफआईआर रजिस्टर करना इमीडिएटली uh, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा ही होना चाहिए अगर डाउट uh, है कि केस फेक है और जहाँ पे बिल्कुल कोई इंजरी नहीं है और आ, केस बहुत पुरानी है मतलब डेटेड केस को आके वो रिपोर्ट करे ऐसे चीज़ों में रिसर्च की जा सकती है जो मैंने कहा है उस तरह से पर अगर फ्रेश केस है एक या दो ही दिन हुए हैं और इंजरीज है और डेथ या डेथ कॉज हुए ऐसे केसेस में तो सबसे पहले होनी चाहिए और जो पेरेंट्स है वो वैसे भी फ्री होंगे अगर उन्हें करना है तो वो फाइल कर सकते तुरंत अगर नहीं करना है उनको डाउट है या फिर कुछ भी वो अवॉइड कर रहे हैं पुलिस वाले तो वो इस मेथड से भी कर सकते हैं तो ये मेरा एक तरीका है बताने के लिए ये ज़्यादा क्लियर नहीं है पर आप अपने सजेशन देके इसको और क्लियर कर सकते हैं चाहे तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं Thank you.